दोस्तों वर्ल्ड मैप सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग विश्व के मैप को देखेंगे। विश्व में टोटल 8 कंटिनेंट है और 5 ओशंस है। जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वह आपका एशिया महादेश है, और विश्व में जो सबसे छोटा कंटिनेंट है वह आपका जीलैंडिया कंटिनेंट है। जीलैंडिया एक नया कंटिनेंट खोजा गया है, नहीं तो पहले कंटिनेंटों की संख्या जो था 7 ही था। जीलैंडिया 8वां कंटिनेंट आया है। अगर महासागर में बात करें तो विश्व में 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशंस, आर्कटिक ओशंस और अंटार्कटिक ओशंस। तो सबसे बड़ा जो ओशंस है वह पैसिफिक ओशंस है, और सबसे छोटा जो ओशंस है वह आर्कटिक ओशंस है। दोस्तों अब इसी को हम लोग मैप पर देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर आपको एक मैप दिख रहा होगा, इसमें जो भी महादेश है उस महादेश को और ओशंस को दर्शाया गया है। दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा महादेश है वह एशिया महादेश है। ये आपका एशिया महादेश है जो नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू एरिया। नंबर 2 जो है अफ्रीका महादेश है। नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 साउथ अमेरिका। नंबर 5 अंटार्कटिका। नंबर 6 यूरोप। और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया है। यह आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7 सबसे बड़े महादेश हुए, जिसमें नंबर 1 एशिया। तो एशिया पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां पर देखिए ये जो रेखा है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। तो एशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यूरोप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और अंटार्कटिका भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर 3 जो महादेश है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और 3 दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, साउथ अमेरिका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जो दोनों गोलार्ध में स्थित है, और अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है, अर्थात विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। अब हम लोग देशांतरीय स्थिति के आधार पर आते हैं। अभी तो हम लोगों ने अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखा, अब देशांतरीय स्थिति के आधार पर आते हैं। अगर देशांतरीय स्थिति के आधार पर देखें तो यहां ये देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो इसके पूर्व वाला भाग आपका पूर्वी गोलार्ध में हो गया, पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध में, और पश्चिम वाला भाग जो हुआ वह पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध में है। तो अगर देशांतरीय स्थिति के आधार पर देखते हैं तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये कहां पर स्थित है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया का पूरा पार्ट आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यूरोप का भी अधिकांश एरिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का भी भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं तो अंटार्कटिका दोनों गोलार्धों में अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है। और अफ्रीका, तो अफ्रीका महादेश भी आपका
इन दोनों गोलार्धों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है, जबकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ध्यान देना है, अभी तक हमने विश्व के सभी महादेशों को अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति पर बतलाया कि कौन सा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहां पर यह ध्यान देना है कि जो पांच ओशंस है उसमें सबसे बड़ा जो ओशंस है वह पैसिफिक ओशंस है। तो पैसिफिक ओशंस दोनों साइड में है, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशंस हुआ और इधर ये साउथ पैसिफिक ओशंस हुआ। पैसिफिक ओशंस विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और ये आपका पैंथलासा का पार्ट्स है। पैसिफिक ओशंस जो है वह पैंथलासा का पार्ट्स है। ये यहां देखिए अटलांटिक ओशंस है जो दूसरा सबसे बड़ा ओशंस है, और ये यहां इंडियन ओशंस जो तीसरा सबसे बड़ा ओशंस है। अगर बात किया जाए चौथे नंबर पर तो ये साउदर्न ओशंस है, और पांचवें नंबर तो पांचवा जो है यह आपका आर्कटिक ओशंस है। तो नंबर वन पैसिफिक ओशंस, नंबर टू अटलांटिक ओशंस, नंबर थ्री इंडियन ओशंस, नंबर फोर्थ आर्कटिक, नंबर फोर्थ साउदर्न ओशंस, नंबर फिफ्थ आर्कटिक ओशंस। ये आपका फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशंस है। तो इस तरह से हमने सात महादेश और पांच महासागर में जो जो नंबर वन से नंबर लास्ट तक था उसके बारे में बताया। अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों, यहां पर ये इक्वेटर है। ये क्या है? तो ये आपका इक्वेटर है, और ये यहां पर प्राइम मेरिडियन है, प्रधान देशांतर रेखा है। तो ये दोनों रेखाएं कहां मिलती है? तो ये दोनों रेखाएं अफ्रीका के पश्चिम तटीय भाग में अटलांटिक महासागर में मिलती है। ये दोनों रेखाएं कहां मिलती है? तो ये दोनों रेखाएं अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी भाग में ये दोनों रेखाएं मिलती है। ये आपको ध्यान देना है कि दोनों रेखाएं मिलती कहां है। अगर अब हम बात करते हैं कि यहां पर कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े बड़े देश कौन सा है विश्व के, तो उस पर आते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश नंबर वन जो है वह रशिया है। रशिया जो है यूरोप महादेश का एक देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महादेशों में है। नंबर टू कनाडा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश भी है। नंबर थ्री आपका यूएसए, नंबर फोर्थ चाइना, नंबर फिफ्थ ब्राजील, नंबर सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, और नंबर सेवन भारत है। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि नंबर एट कौन सा है, तो नंबर एट अर्जेंटीना है। तो इस मैप में हमने विश्व के सबसे बड़े देश के बारे में बात किया है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है जो यूरोप में इटली के अंतर्गत यहाँ स्थित है। ये आपका वेटिकन सिटी का मैप है। और एशिया में जहां तक बात करें कि एशिया में सबसे छोटा कौन सा देश है, तो मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया से होकर सिर्फ विषुवत रेखा गुजरती है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में सात महादेश और पांच महासागर जो है उनके बारे में बताया, और सभी महादेशों के बारे में मैप्स के
मैप्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और विश्व के जो भी बड़े बड़े कंट्रीज थे हैं और जो छोटे कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के बारे में बताया। यह एक बेसिक मैप्स है। अगले वीडियो में उत्तरी अमेरिका के मैप के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स एवं शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय।